वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो धनात्मक राशियां हैं, प्लस वाली पॉजिटिव नंबर है दो, एक है ई और एक दे रखा है आपके बी दे रखा है। इन दोनों के बीच में दो समांतर माध्य हैं, A1 और A2। गुणोत्तर माध्य है तो G1 और G2 और हरात्मक माध्य है तो H1 और H2। इन दोनों नंबरों के बीच में दो समांतर माध्य है, दो हरात्मक माध्य है और दो गुणोत्तर माध्य है। तो हमें ये वाली चीजें प्रूव करनी है। A1 A2 AM है और GM तो G1 G2 है और H1 H2 है HM, दो नंबरों के बीच में, और वो नंबर कौन से हैं, A एंड B। फर्स्ट ले, अब हमें ये वाली चीजें करनी है, प्रूव करनी है कि A1 H2 को मल्टीप्लाई करने पर वो A2 H1 का मल्टीप्लाई करो या G1 G2 का मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, AB। ऐसे प्रूव करना है। वैसे ही सेकंड ये वाला, इनका रेशियो क्या होता है आपके इक्वल। पहले लेंगे फर्स्ट, हमें पहले तो वो नंबर फाइंड करेंगे। जैसे एक A है और एक B है, इनके बीच में दो नंबर है, एक A1 है और एक A2 है। ये दोनों नंबर का वैल्यू हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो दोनों का नंबर अगर वैल्यू हम फाइंड करें, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड टर्म है। इसके लिए आपकी बुक में दिया हुआ है, ये रहा, टू फाइंड AM बिटवीन टू नंबर। अब देखो, मान लो कि पहला नंबर आपके A है, ये रहा पहला नंबर हो गया आपके A और ये हो गया आपके B। इसके बीच में आपको ये दो नंबर लेने हैं। तो अगर देखो फॉर्मूला क्या है, TN इक्वल टू, मतलब लास्ट टर्म क्या है आपके बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इससे हम क्या करें, डी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे वो, क्योंकि ये देखो दो नंबर एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, तो यहाँ कर देंगे 2-1 कर देंगे, क्योंकि दो नंबर एक्स्ट्रा बढ़ेंगे ए और बी खुद बढ़ेंगे, तो यहाँ n+2 हो जाएगा। जितने पहले n थे, अगर 5 थे तो 5 और 2 7 हो गए। ऐसा करके हम डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो वो हमसे एक हो गया। अब ये आपके गुणा में है तो क्या, जब ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये गुणा है तो भाग में, ये डी का मान हो गया। ये A1 का मान, A1 कैसे निकालते हैं, A+D इजिकल टू ये फॉर्मूला। A2 निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला। A1 कैसे निकालेंगे, A1 का मतलब होता है A+D, क्योंकि ये वाला A1 है, ये वाला पद है, इससे दूसरा पद है, ये नंबर 1 पर था, ये नंबर 4 पर है। तो पहला पद याद करेंगे तो दिया हुआ है, दूसरा क्या याद करेंगे हम, A+D, A का A और D का मान इसमें ये दे रखा है B, ये वाला यहाँ लगा देंगे B-A/(n+1) B-A/(n+1) जबकि n है कितने, n 2 ही है, इसके बीच में कितने n है, 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2+1 ऐसा। तो ये आ जाएगा आपके A+B-1 B-A/3 3 आ गया आपके एलसीएम। गुणा कर लेंगे तो 3A+3 कट गया तो B-A, 3 में से 1 गया, 2A+B/3 ये आ गया। अब अगर मुझे A2 ज्ञात करना है तो क्या आ जाएगा आपके, A+2D, क्योंकि ये नंबर 3 पर है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा A का A, और यही फॉर्मूला सेम यहाँ लगाना है, 2B-A/(2+1) पक्षांतर करते हैं तो ये D का वैल्यू आएगा आपके, जो मैंने अभी इसमें बताया, इजिकल टू हो जाएगा A+, अब ये आ जाएगा 2B-A/(2+1) हो जाएगा आपके 2A, हो गया 3, 3 ले लेंगे एलसीएम, 3 एकम 3 कट जाएगा, ये सेम आ जाएगा 2B और हो जाएगा आपके माइनस का 2A। अब दोनों को हम 3 में से 2 गया एक A और 2B का 2B बटा क्या आ गया आपके 3, ये आ गया A1 और ये आ गया आपके A2। अब सेकंड लेंगे, यहां तो था आपके समांतर माध्य थे दो, वापस से वही दो नंबर है और इनके बीच में क्या है, इस बार आपके गुणोत्तर माध्य है, मतलब G1 और G2, ये दोनों क्या है आपके गुणोत्तर माध्य, ये है गुणोत्तर माध्य।
इसमें भी अगर आपको टू नंबर फाइंड करने हैं, ये बुक का ये सब कंप्लीट इंग्लिश मीडियम बुक है, हिंदी मीडियम में भी आप देख सकते हो। तो ये वाला जो आपके है 8.2 के बाद में, ये 8.3 में है, ये गुणोत्तर माध्य जहाँ पर है, ये फॉर्मूला है लास्ट टर्म का। लास्ट टर्म बी कहलाएगा क्योंकि इसमें दो पद है, एक ए है और एक बी है। तो जैसे ये रहा लास्ट टर्म बी है, फॉर्मूला दिया है टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। लेकिन इसमें आर तो हमारे पास है नहीं, तो देखो ऐसा करेंगे, आर अगर फाइंड करना हो ये देखो पहले तो हम टर्म बढ़ा देंगे, दो बढ़ गए ना ए और बी, ये वाला और ये वाला बढ़ गए, हमें दो पद थे हमारे पास, दो दो कितने हो गए, चार हो गए। तो यहाँ दो पद हम बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा आपके प्लस का हो जाएगा। अब ये गुणा में है, ए हो जाएगा आपके भाग में, तो हो जाएगा बी बटा ए। अब ये ऊपर घात ऐसे है, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो वो हो जाएगी आपके भिन्न में, ऐसा वन बटा एन प्लस वन हो जाएगा। तो जी वन ये होगा और जी टू ये हो जाएगा, ये जी वन कहलाएगा। देखो जी वन अगर हम ज्ञात फाइंड करेंगे तो मतलब ये वाला ए इंटू आर, ए का ए और आर का वैल्यू, देखो अगर हम इधर पुट करते हैं तो आर का वैल्यू ये होता है बीच में बी बटा ए, एक बटा एन प्लस वन, और एन का मान फिक्स है दो ही रहेगा, तो ये हो गया आपके एक बटा तीन भी आप लिख सकते हो। सबसे पहले ए का ए इंटू आर का मान क्या आ जाएगा आपके बी बटा ए की घात हो जाएगी आपके एक बटा तीन हो जाएगी। अब अगर आपको जी टू ज्ञात करना है तो ये आ जाएगा ए इंटू आर की पावर कितनी हो जाएगी आपके ए आर टू, क्योंकि मुझे तीसरा पद ज्ञात करना है ना, जितना जैसे यहाँ टू डी आता है वैसे ही आपके आर टू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके ए इंटू बी बटा ए की पावर दो इंटू एक बटा तीन, दोगुनी हो जाएगी दो आर। तो ये हो जाएगा आपके ए इंटू बी बटा ए की पावर हो जाएगी आपके दो बटा तीन हो जाएगा। ऐसे ही अब आपको एच वन और एच टू निकालना है, दो पद दे रखे हैं उसके बीच में एच वन भी लेना है और एच टू भी लेना है, दोनों पद आपको निकालना है, तो बुक्स में देखेंगे। अब अगर हम हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे, ये 8.6 में है, 6 के बाद ही आता है आपके, ये है आपके 8.6 के बाद देखेंगे, हिंदी मीडियम बुक में भी आ जाएगा आपके कि आपको एन टर्म, जैसे हमें दो पद याद करने हैं, ये वाला एच वन और एच टू, ए और बी के बीच में ज्ञात करना है, तो पहले इसको उल्टा करना पड़ेगा ताकि वो क्या आ जाए एपी में आ जाए। तो ये आ गई एपी, एपी में अगर मुझे केवल डी ज्ञात करना है, देखो सूत्र क्या हो जाएगा आपके ए प्लस एन है ना, ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन कोष्टक डी। अब फर्स्ट टर्म ये हो गया, लास्ट टर्म ये हो गया, और यहाँ आपको पता ही है दो पद बढ़ेंगे इसके कारण, दो पद आपके बढ़ जाएंगे, तो यह प्लस टू कर देंगे, ये सूत्र हो गया। अब ट्रांसफर करेंगे प्लस का आया तो किसमें हो जाएगा आप इधर भेज दो माइनस में, इसको सॉल्व कर सकते हैं इजी, ये प्लस का आया इधर आ जाएगा माइनस का, तो ए बटा बी माइनस एक बटा ए, ए भी कॉमन आ जाएगा बी माइनस ये ए माइनस बी हो जाएगा ये वाला नंबर, फिर ये गुणा आया तो भाग में एन माइनस वन ये आ जाएगा प्लस वन, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे कर देंगे इसको, तब देखो अगर मुझे एच वन फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, ए प्लस जैसे ये रहा ये कहलाएगा आपके ए प्लस डी, हर एक में आपको डी डी ऐड करना है, तो ए प्लस डी। अब जैसे इसका हम ए पी याद करेंगे उसको उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करने के लिए क्या आएगा, फर्स्ट टर्म कितना है एक बटा ए प्लस डी, हमने भी याद किया ये आएगा आपके ए माइनस बी बटा ए बी, और ये आ जाएगा आपके तीन, आप चाहो यहाँ पर तीन ए बी भी लिख सकते हो। अब
तीन ए बी क्या आ जाएगा आपके लसअप आ जाएगा, ए कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा आपके तीन बी प्लस, ये कट गया ऊपर बच गया आपके ए माइनस बी, तीन में से एक गया दो बी और एक आ सकता है आपके एक, तो ये तीन ए बी कट जाएगा, यहां पर ए कट गया था तो तीन बी लिखा और यहां पर हो जाएगा आपके एक का एक ए प्लस तीन में से एक गया दो बी बटा क्या आ जाएगा आपके यहां पर तीन ए बी, लेकिन ये आपके एपी का है। अगर मुझे एच वन याद करना वापस क्या करना पड़ेगा, इसे उल्टा करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा आपके तीन ए बी बटा, ये आपके ए वन का कहलाएगा और जैसे ही हम इसे एच वन लिखेंगे तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा अपॉन आ जाएगा दो ए प्लस बी। ऐसे ही वापस से ए टू याद करना है तो ये आ जाएगा आपके ए प्लस दो बी, ये आ जाएगा। अब ये ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके ए कितना है फर्स्ट टर्म, इसका उल्टा करना पड़ेगा प्लस, अब ये वाला है आपके डी का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा दो इंटू ये डी है ना, तो डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके अभी लिखवाया था मैंने ए माइनस बी बटा ए बी इंटू तीन, या तीन ए बी लिख सकते हो। अब तीन ए बी क्या आ जाएगा आपके लसअप, ए ए कट गया तो ये आ जाएगा आपके तीन बी, ये पूरा कट गया ऊपर वाला सेम आ जाएगा दो बार ए और दो बार ही बी, तीन में से दो गया एक बी और दो ए का दो ए और तीन में से दो गया आपके एक बी बटा तीन ए बी। अब मुझे एच टू याद करना है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, मतलब तीन ए बी बटा दो ए प्लस बी, ए तो हमने हमारे पास तीनों मान आपके आ चुके हैं, ए वन ए टू भी आ गया, जी वन जी टू भी आ गया, एच वन एच टू आ गया। अब हम इन मान को लेकर हम अब ये सिद्ध करेंगे, फर्स्ट ये प्रूव करना है कि इसका इसका इन तीनों का वैल्यू कितना आता है ए बी। पहले ये लेंगे ए वन और एच टू, जो हमने पहले मान निकाले वो सही से वही आपको लेने हैं। ये रहा आपके ए वन, मतलब के दो ए प्लस बी बटा तीन इंटू एच टू, एच टू आपके ये रहा तीन ए बी बटा दो ए प्लस बी, दोनों मान हमने ये भी लिख दिया और ऊपर वाला भी लिख दिया, एच ए वन ही आ गया एच टू दोनों आ गए। अब ये इससे कट जाएगा और तीन से तीन कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपके ए बी। आगे ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, बस आपको ये वाले मान निकालने में ही थोड़ी समस्या होती है। अगला है आपके ए टू एच वन, ए टू ये रहा ए प्लस टू बी अपॉन थ्री इंटू एच वन, एच वन आपके ये रहा तीन ए बी बटा दो ए प्लस बी, ए प्लस दो बी है गलत लिखा, तो ये तो इसका मान है एच टू का तो ए प्लस टू बी ऐसा आएगा, तो ये वाला कैंसिल, तीन से तीन कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपके ए बी। फिर अब हम लेंगे जी वन इंटू जी टू, जी वन और जी टू ये रहे, जी वन तो आया है आपके बी बटा ए की पावर वन बटा थ्री इंटू ए, आगे ए है इंटू कर देंगे हम ये वाला ए इंटू बी बटा ए की पावर हो जाएगी आपके दो बटा तीन। इसको सॉल्व करना है, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर तो घात जुड़ गई है, यहाँ घात एक थी यहाँ घात एक थी तो एक और एक कितना हो गया दो, वैसे ही बी बटा ए में भी यही होगा, दोनों घातें जुड़ जाएगी मतलब एक बटा तीन प्लस दो बटा तीन, तो ये हो जाएगा आपके ए स्क्वायर इंटू, अब बी की घात कितनी हो जाएगी आपके
तीन आ जाएगा लस पर, और ये हो जाएगा एक प्लस दो बराबर हो गया है तीन बटा तीन, कट जाएगा उत्तर आएगा एक। तो ये आएगा आपके ए स्क्वायर इंटू बी एक बार और ए बी एक बार, ये इससे कट जाएगा एक घात, तो ये हो जाएगा ए बी एक बार और बी बी एक बार, ये हो गया ए बी ऐसे। तो पहले स्थिति तो आपकी क्लियर हो गई कि सबका मान कितना आता है आपके ए बी आता है। अब लेंगे सेकंड, सेकंड है जी वन जी टू का जो रेशियो है वही एच वन और एच टू बराबर, जो रेशियो ए वन प्लस ए टू में है और एच वन प्लस एच टू। पहले जी वन जी टू को हमने अभी फाइंड किया था, जी वन जी टू मल्टीप्लाई किया था, आंसर क्या आया था आपका ए बी, वही लिखना है इज इक्वल टू क्या होता है ए बी। फर्स्ट मान लो यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब एच वन एच टू निकालेंगे, एच वन इंटू एच टू, एच वन एच टू यहां से लेंगे हम, ये रहे एच वन ये रहा एच टू, मतलब तीन ए बी बटा ए प्लस दो बी को मल्टीप्लाई गुणा करना है, तीन ए बी बटा दो ए प्लस बी दोनों गुणा करना। पहले लेंगे हम दोनों का लसअप, एलसीएम आएगा, ए प्लस दो बी भी आएगा और दो ए प्लस बी भी आएगा, दोनों को गुणा करेंगे। अब ये वाला इससे कट गया तो इन दोनों को क्या कर दो आप गुणा कर दो, दोनों गुणा करेंगे तो तीन ए बी गुणा करो पहले दो बी से, तो क्या आएगा तीन ए स्क्वायर बी आ जाएगा, तीन ए स्क्वायर बी प्लस इसी नंबर को बी से गुणा करो क्या आएगा तीन ए बी स्क्वायर, ये गुणा करना है तो यहां गुणा ऊपर कर लो, तीन त्या क्या आएगा नौ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मैंने लस पर ले लिया था, जबकि क्या करना आपको गुणा करना है, इन दोनों गुणा यहां कर देंगे, इन दोनों गुणा हम ऊपर कर देंगे। अब रेशो लेना है इन दोनों का, मतलब ऐसे जी वन जी टू रेशियो एच वन एच टू, इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिख सकते हो जी वन जी टू बटा एच वन एच टू, तो ये क्या हो जाएगा आपके, ये तो है आपके ए बी और ये है नौ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा ए प्लस दो बी और दो ए प्लस बी, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके ए बी इंटू ए प्लस दो बी और दो ए प्लस बी बटा नौ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहां ए बी एक बार है और यहां पर दो दो बार है, तो ये आया जी वन जी टू का जो ये वैल्यू आ गया ये वाला ए प्लस टू बी टू ए प्लस बी बटा नौ ए। अब हम लेंगे ये वाला ए वन प्लस ए टू लेना है, ए वन ए टू कैसे लेंगे हम इसी पेज से लेंगे हम यहां से ए वन ए टू, ये रहा ए वन और ए टू, इन दोनों का ऐड करना है, तो दो ए प्लस बी बटा तीन प्लस दो ए प्लस दो बी बटा तीन, दोनों को ऐड करना है, सिंपल ही है। यहां अगर तीन लेंगे ये सब जुड़ जाएगा क्योंकि ये सेम तो ये वाला भी सेम, दो ए प्लस बी प्लस ए प्लस दो बी, तो ये हो गया आपके तीन ए प्लस तीन बी बटा तीन, तीन आ गया कॉमन, ये हो गया ए प्लस बी बटा तीन, तीन से तीन कैंसिल, तो ए वन प्लस ए टू का जो मान आया है वो आया है आपके ए प्लस बी आ जाएगा।
अब हम याद करेंगे H1 और मेरा A1 A2 कर लिया, अब H1 H2 करना है। अब हम करेंगे H1 प्लस H2, इसके लिए H1 H2 के मान लिखो, ये रहा H1 ये रहा H2, मतलब के 3AB बटा A प्लस 2B प्लस 3AB बटा 2A प्लस B। अब दोनों को जोड़ना है, अब यहां पर लसब लेकर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आपके लसब लेंगे तो A प्लस 2B भी आएगा और 2A प्लस B भी आएगा, ये कट गया तो ये आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करना है आपको, तीन दूनी कितने हो गए हैं 6, ए स्क्वायर बी प्लस के 3 एकम 3, इससे गुणा करना है, ये वाला कट गया इससे गुणा करना है, गुणा करेंगे बी से तो 3AB² प्लस ये वाला हो गया इससे कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3A² B प्लस, अब इसको गुणा करेंगे हम, देखो ये वाला कट गया नंबर, अब इसको गुणा करना है इससे, 3AB गुणा करेंगे 2B से, 3 दूनी क्या आएगा 6AB², अब A² B यहां भी और यहां भी है, 3 और 6 कितने हो गए आपके 9A² B प्लस 9AB² अपॉन ये आ जाएगा आपके A प्लस 2B और 2A प्लस B, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 9AB कॉमन आ रहा है, पीछे बच गया आपके A प्लस B बटा आ जाएगा आपके A प्लस 2B और 2A प्लस B। अब देखो हमें रेशो याद करना है, जैसे ये वाला तो डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें इसके नीचे ये संख्या आएगी तो लिखो नीचे तो क्या आएगा, A1 रेशो A2 है, इसको हम A1 बटा A2 में भी लिख सकते हैं, A1 का वैल्यू आया था आपके A प्लस B और A2 का वैल्यू ये रहा 9AB वाला, 9AB बटा 9AB भी आएगा और A प्लस B भी आएगा बटा A प्लस 2B और 2B प्लस A, या लिख सकते हो आप 2A प्लस B, उल्टा हो जाएगा A प्लस B इंटू, अब ये उल्टा हो जाएगा तो जाएगा A प्लस 2B 2A प्लस B बटा 9AB और A प्लस B, ये इससे कट गया, आंसर आया है A प्लस 2B 2A प्लस B बटा 9AB। अब ये वाला सेम वैल्यू यहां भी आया था, G1 G2 और H1 H2 का वैल्यू भी यही आया था, हम लिख देंगे राइट हैंड साइड इक्वल हो गया आपके लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, ABC तो है आपके AP में, BCD है आपके GP में और CDE है आपके HP में, तो हमें अप्रूव करना है कि ACE इन क्या होगा आपके GP। तो पहला है आपके ABC इन क्या है आपके AP, अगर AP हो तो मुझे अगर B याद करना है, बीच वाला पद कैसे याद करते हैं, पहला प्लस तीसरा बटा 2, ये हो गया आपके इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा दे रखा है आपके BCD इन GP, ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो बीच का पद अगर मुझे याद करना है तो क्या कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर अगर निकालना है, इसका स्क्वायर इन दोनों के इनटू के बराबर होगा, ये हो गया आपके इक्वेशन सेकंड। और लास्ट में दे रखा है CDE, CDE किस में है आपके, ये है आपके HP में है। अब मुझे अगर ये D फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, हम इन दोनों को गुणा करना है बटा C प्लस E हो जाएगा, यानी 2AB बटा AB, 2AB बटा A प्लस B, ये ऐसे याद करते हैं, तीनों आ गए। अब मुझे चाहिए A, C और E चाहिए,
मुझे बी डी नहीं चाहिए था, क्या करेंगे हम इस बी डी में ही वैल्यू पुट कर देंगे, ये रहा बी का वैल्यू और ये रहा डी का वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो ये है समीकरण नंबर तीन। समीकरण नंबर तीन व एक का मान समीकरण नंबर दो में रखने पर, ये सी स्क्वायर का सी स्क्वायर, बी का वैल्यू ऊपर दे रखा है ए प्लस सी बटा दो, और इसका वैल्यू दे रखा है टू सी ई बटा, ये हो जाएगा आपके सी प्लस ई हो जाएगा, दोनों गुणा कर दें, अब कर देंगे क्रॉस मल्टी, गुणा कर लो पहले तो सी स्क्वायर इजिकल टू, अब ये दो से दो चाहो तो काट सकते हो यहां से, इनटू है तो कट सकता है, ये आ जाएगा आपके ए प्लस सी और सी ई बट्टा हो जाएगा सी प्लस ई। अब चौथे छह गुणा कर लो इनको, तो ये गुणा करेंगे पहले इससे सी स्क्वायर को, वैसे देखो ये वाला सी इधर भी है सी इधर भी है, एक सी आपके कैंसिल हो गए, ऐसे इसको काट सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आएगा प्लस सी ई, नहीं तो फिर सबको सी काटना पड़ता बाद में भी, तो सी को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया सी ई आ गया, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ई हो जाएगा, सी टू सी कैंसिल, तो ये आ गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई, ये रहा ऐसा। मतलब ये तीनों गुणों तो साइड में हो तो क्या करते हैं बीच के पद का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ ए सी ई इन जी पी, ऐसा, क्योंकि बीच वाला पद का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, जैसे मैंने अभी यहां लिखा था इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर नाइन, इसने कहा ए बी सी एपी में भी है और एचपी में भी है, तो हमें प्रूव करना है कि ये जीपी में भी है। पहला ए बी सी इन एपी, अगर ये एपी में है तो बीच वाला पद कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों पदों को जोड़कर दो का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा समीकरण नंबर एक। दूसरा है आपके ए बी सी इन एच पी में भी है, तो अगर आपको बी का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम टू ए सी बटा इन दोनों का दो से गुणा करके इन दोनों का ही क्या कर देंगे नीचे डिवाइड में जोड़ कर देंगे, ये हो गया समीकरण नंबर दो। अब ये भी बी का मान है और ये भी बी का मान है, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम समीकरण नंबर एक व दो से, तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे ए प्लस सी बटा दो बराबर हो जाएगा दो ए सी बटा ए प्लस सी। अब तिरछा गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और इनका गुणा कर देंगे हो जाएगा चार ए सी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है ए बी सी इन जी पी, इसका मतलब है कि मुझे प्रूव करना है कि बी इजिकल टू बी स्क्वायर इजिकल टू आना चाहिए आपके ए सी, ऐसा आया तो हो जाएगा, मुझे वापस बी भी लेकर आना और ए सी भी लेकर आना था, ए सी तो इधर है ही, अब बी बनाए कैसे बनाएंगे, ये वाला इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर बटा आ जाएगा आपके चार बराबर ए सी, ए सी इधर आ गया, अब मुझे बी स्क्वायर बनाना, अगर मैंने बी स्क्वायर बनाया तो ये क्या हो जाएगी आपके जीबी में हो जाएगी, ए प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया और चार का होता है आपके दो का होल स्क्वायर बराबर हो गया आपके ए सी, ये स्क्वायर इस पर भी है तो ये आ जाएगा ए प्लस सी बटा दो का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके ए सी, ए प्लस सी बटा दो यहां दे रखा है, ये बी का मान है, तो यहां लिखेंगे समीकरण नंबर एक का मान रखने पर बी ए प्लस सी बटा दो का मान कितना है आपके बी स्क्वायर स्क्वायर बराबर ए सी, इसका मतलब क्या है ए बी सी इन जी पी, क्योंकि इस पद का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।